हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइन विद शीतल। टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि मैं इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ इनसाइट के मेकअप प्रोडक्ट्स। उनके रिव्यू करने के साथ साथ मैं आपको अपने फेस पे लगा के भी दिखाऊंगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और वो आपको लेने चाहिए, तो मेरी वीडियो को आगे तक देखें। मैं प्रोडक्ट्स के रिव्यू करने के साथ साथ उन्हें अपने फेस पे अप्लाई भी करूंगी, मेकअप पूरा करूंगी, तब आप अच्छे से देख पाएंगे कि वो प्रोडक्ट कैसा है। मैं यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ अपने फेस बेस के साथ। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है ये इनसाइट का लिक्विड फाउंडेशन। ये क्वांटिटी हमें मिलती है इसमें टोटल 50 ml। ये मैंने लॉकडाउन से पहले लिया था नायका ऐप से। इसमें मेरा शेड है 02 medium beige। इनसाइट ब्रांड के प्रोडक्ट इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होते हैं, तो इसकी ये चीज मुझे अच्छी लगती है। इसमें आपको टोटल 5 shades मिलते हैं। ये ट्यूब है तो ट्रेवलिंग के लिए काफी अच्छी है, क्योंकि जो बॉटल्स होती है वो ट्रेवलिंग में टूटने का उनका डर रहता है। ये मेरी स्किन टोन के लिए ज्यादा वाइट है, एक शेड्स लाइटर है मेरे लिए। कंसीलर के लिए तो अच्छा, फाउंडेशन के लिए काफी लाइट है, तो मैं इसे थोड़ा सा ही लगाऊंगी। एक तो ये ऐप में ऐसी पिक लगाते हैं ना, इतनी मिसलीडिंग होती है कि समझ ही नहीं आता कि कौन सा हम फाउंडेशन चूज करें। ये फाउंडेशन बहुत ज्यादा वाइट है, थोड़ा येलो टोन में होता तो मैं इसे काम चला सकती थी। तो नीचे थोड़ी लाइन बन रही है। ये फाउंडेशन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बहुत ही बेकार है। प्राइस इसका 90 rupees है, लेकिन थोड़ा सा कवरेज पे ध्यान देते और ब्लेंड तो बिल्कुल हो ही नहीं रहा। इतने यहाँ से ब्लेंड करो तो यहाँ लाइन बन रही है, सीमलेसली ब्लेंड नहीं हो रहा है। मैं इस फाउंडेशन को इस साइड पर हाथ से लगा रही हूँ, देखते हैं क्या पता हाथ से कुछ फर्क आए। तो अगर आपकी मुझसे 1 shade या 2 shade लाइटर स्किन टोन है, तो आप इसको एज अ BB CC क्रीम यूज कर सकते हैं, वरना फाउंडेशन के लिए तो ये बहुत ज्यादा बेकार है। ये फाउंडेशन अफोर्डेबल प्राइस पे बहुत अच्छा है। इसके ऊपर भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, उसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कवरेज ये मीडियम देता है और इसका प्राइस भी आई थिंक 150-160 से ज्यादा नहीं है। मैंने इन साइट के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, वन ब्रांड ट्यूटोरियल, वो अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। मैंने 5-6 कंसीलर्स ट्राई किए थे, उनके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, उसमें मैंने इस कंसीलर को इंक्लूड किया था। तो अगर आप इस कंसीलर का रिव्यू देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं, उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये थोड़ा सा वाइट है, लेकिन मैं बहुत थोड़ा सा ही अमाउंट अपनी अंडर आईज में, फेस पे जहां भी पिगमेंटेशन है वहां पे लगाती हूँ, तो मीडियम कवरेज देता है तो काम चल जाता है इससे। इसके अकॉर्डिंग भी अच्छा है, इसका प्राइस है जस्ट 110 rupees। ये कंसीलर अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप है आपको अपने फेस बेस को सेट करना है। आप उसके लिए लूज पाउडर या प्रेस पाउडर ले सकते हैं। इनसाइट ब्रांड का शायद लूज पाउडर तो नहीं आता जहां तक मुझे पता है, ये प्रेस्ड पाउडर है। इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, 260 rupees। इसे आप ओपन करेंगे तो आपको ये पाउडर पफ मिलता है, यहाँ पे आपको मिरर मिलता है और इधर मिलता है कॉम्पैक्ट। इसके अलावा एक दूसरा प्रेस्ड पाउडर है जिसे मैं अपनी वीडियो में बहुत यूज करती आई हूँ, ये है वो। इसमें आपको प्रेस्ड पाउडर के साथ साथ हाईलाइटिंग पाउडर भी मिलता है। आप चाहें तो इस पाउडर पफ को यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं एक ब्रश को यूज करूंगी। अभी इतने देर कंसीलर हमारे फेस पे रहा है तो वो क्रीज थोड़ा सा हो गया होगा, तो कॉम्पैक्ट लगाने से पहले थोड़ा सा कंसीलर को ऐसे ब्लेंड कर लें, उसके बाद फिर आप कॉम्पैक्ट को अप्लाई करें। साइड ब्रांड ने कोई भी आई शेडो लॉन्च नहीं किया अभी तक, तो मेरे पास यहाँ पे नहीं है। ये एक जो प्रोडक्ट है इनसाइट 2-in-1, इसके नायका पे बहुत अच्छे रिव्यू थे, तो मैंने सोचा कि मैं इसे पक्का लेती हूँ। ये 2-in-1 प्रोडक्ट है, आपको इसमें एक साइड मस्कारा मिलता है और इस साइड आपको मिलता है लाइनर। इसका प्राइस भी बहुत कम है, 175 rupees। इनसाइट ब्रांड के जितने भी आप प्रोडक्ट देखेंगे तो बहुत ही इनका कम प्राइस होता है और अच्छे भी होता है। ये मैंने थोड़ा सा लगा दिया, इसे हम ड्राई होने देते हैं, तब तक मैं लाइनर ड्रॉ कर लेती हूँ।
ये ड्राई हो गया है तो मैं इसे स्मच करके देखती हूँ कि ये स्मच प्रूफ है या नहीं। ये ड्राई हो गया, मैं इसे स्मच करके देखती हूँ स्मच प्रूफ है या नहीं। स्मच प्रूफ तो है। उसके बाद हम वाटर प्रूफ वाला चेक कर लेते हैं। इस पर तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मतलब ये स्मच प्रूफ भी है वाटर प्रूफ भी है। और गाइस इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल जेल आईलाइनर जैसा है, तो इस लाइनर को आप लगाएंगे तो वो ग्लॉसी थोड़ा सा लगेगा, लेकिन जैसे वो ड्राई होता रहेगा तो फाइनली उसका मैट फिनिश हो जाएगा। ये एवरीडे के लिए तो है ही अच्छा, लेकिन ग्लिटर आई शेडोज के लिए बेस्ट है, क्योंकि ग्लिटर आई शेडोज के ऊपर आप लाइनर लगाते हैं तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होती है लाइनर लगाने में, और बीच में से थोड़े से ग्लिटर्स भी ऐसे दिखने लग जाते हैं। इसका टेक्सचर बहुत ज्यादा थिक है, तो बहुत अच्छा रहेगा ये कि आप ग्लिटर आई शेडोज और बल्कि शिमर आई शेडोज के साथ भी आप इसका यूज करें। इसका वन नॉर्मल है, ज्यादा थिक नहीं है ना ज्यादा ड्रामेटिक है। इसने वॉल्यूम तो नहीं दी पर कर्ल तो कर दिया है। ये जितने भी प्रोडक्ट मैंने अभी तक ट्राई किए हैं उसमें सबसे अच्छा प्रोडक्ट मुझे लाइनर ही लगा है। आप नायका ऐप पे देखेंगे तो आपको 3 रेंज की नेल पेंट्स मिल जाएंगी। यहाँ पे जो मैंने ये नेल पेंट लगाई है थोड़ी सी खराब है, तो प्लीज इसको अवॉइड करना। ये बहुत अच्छा कलर है इसका, ये ब्राउन कलर है लेकिन इसमें थोड़ा सा पर्पल हिंट भी आता है, तो बहुत प्यारा कलर लगता है। इस नेल पेंट का प्राइस है 50 रुपीज़। आप नायका ऐप पे देखेंगे तो उनका प्राइस भी 100 अंडर ही होगा। लास्ट में ये इनसाइट की लिक्विड लिपस्टिक लगा रही हूँ, इसका नाम है इनसाइट ट्रेंडी क्रीम लिप कलर। इसका मूज फॉर्मूला है, ये लिक्विड लिपस्टिक किस प्रूफ भी है। इसके साथ साथ ये इनसाइट की ये वाली जो रेंज है ये भी बहुत अच्छी है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, किसी हाई एंड ब्रांड से कम नहीं है। इनके साथ आपको ये ग्लॉस भी मिलता है, बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है ये, आप अपनी ब्राइडल में भी लगा सकते हैं। ये मेरे पास इनसाइट की लिपस्टिक है, ये मैंने नायका ऐप पे देख के ली थी कि ये कलर बहुत प्यारा लग रहा है। मुझे नहीं पता था कि ये शिमर है, ना ही उन लोगों ने कहीं भी मेंशन किया था, पर ये मुझे अच्छा कलर मिल गया। यहाँ पे इसमें इतने शिमर नहीं दिख रहे हैं और इसके शिमर इतने ज्यादा अच्छे हैं कि आप इसे एवरीडे में भी यूज कर सकते हैं, ये लिपस्टिक आपको बिल्कुल भी अजीब नहीं लगेगी। सो गाइस इन प्रोडक्ट में से मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन सा रिकमेंड करती हूँ या कौन सा नहीं। ये प्रोडक्ट दोनों ही बहुत ज्यादा अच्छे हैं, ये मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ। इन दोनों को मैं आपको रिकमेंड करती हूँ, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप इन्हें खरीद सकते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है ये मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती, इससे बेटर आप कुछ पैसे और इन्वेस्ट करके ये वाला इनसाइट का फाउंडेशन आप खरीद सकते हैं। सो गाइज अगर आपको ये मेरी मेकअप रिव्यू वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप उस नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें ताकि मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँ तो वो आपसे मिस ना हो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।